संयुक्त मोर्चा अधिकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर काम बंद कर रहे हैं, जहां उन्होंने 1 दिवसीय हड़ताल पर मांगे पूरी ना होने पर 13 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की सरकार को चेतावनी दी है। विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने शनिवार को 1 दिन की कलम बंद हड़ताल की, साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह 13 अगस्त से विद्युत सप्लाई पूरी तरीके से ठप कर देंगे और इसकी सारी जवाबदारी प्रदेश सरकार की होगी। 17 कर्मचारी संगठन के कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय कार्य का बहिष्कार किया। आपको बता दें, रीवा के विद्युत विभाग के ऑफिस के बाहर कर्मचारियों ने एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इनकी मांग है कि विद्युत कंपनियों का निजीकरण नहीं किया जाए, बिजली कंपनियों को कोरोना योद्धा घोषित किया जाए, कोरोना से मृत बिजली कर्मचारियों के परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद की जाए, साथ ही संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए। इसके अलावा भी कई और मांगे हैं जिसको लेकर सरकार से लगातार मांग की जा रही है, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके चलते अब बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया है। आज हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश विद्युत संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 5 सूत्री मांगों के लिए ज्ञापन जो हम लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम दिया था, आज द्वितीय चरण में 1 दिन का कार्य बहिष्कार का हम लोगों ने वो किया है। 5 सूत्री मांगों में मुख्य रूप से हम लोगों की है, विद्युत कंपनियों का पहला है, विद्युत कंपनियों का निजीकरण बंद किया जाए। दूसरा है, विद्युत कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित करके जो पीड़ित परिवार है उनको जो भी योजनाएं हैं वो दिया जाए, तुरंत लाभ दिया जाए। तीसरा है, संविदा कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। चौथा है, जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका शोषण बंद किया जाए, शोषण में और विद्युत कंपनियों में संविलियन किया जाए। और पांचवी मांग हम लोगों की है, केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए। अगर ये मांगें नहीं पूरी की जाती तो 13 तारीख से हम अनिश्चित काम में चले जाएंगे, अनिश्चितकालीन काम में चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी मध्य प्रदेश शासन और कंपनी प्रशासन की।